देखिए ये रोहित भाई एक दुर्भाग्य रहा है, 1917 के खिलाफत मोमेंट से लेकर आज तक 100 साल हो गए, 100 साल, लेकिन तब भी मुसलमान की फॉरेन पॉलिसी तुर्की में तय हो रही थी। और एक बार सुधांशु भाई के साथ मैं डिबेट में भी बैठा था, हमारी बात हुई थी, अरब सऊदी अरेबिया उस खिलाफत की उस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। रिजवान साहब उस खिलाफत, देखिए मौलाना साहब आप बात खत्म होने दीजिए, आप सुलझे हुए मौलाना साहब है तो बात खत्म होने दीजिए, आप अंसार रजा ना बनिए, आप अंसार रजा ना बनिए, चलिए आप गलत कोट कर रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी पैलेस्टीन से तय होती है, कभी रोहिंग्या प्रॉब्लम से तय होती है, कभी तालिबान से तय होती है, पहली चीज। दूसरी चीज जो गांधी जी ने उसका समर्थन किया था वही तुष्टिकरण था जो आज तक 100 साल हो गए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी वही तुष्टिकरण था गांधी जी का। आप कंप्लीट कर ले फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। रोहित जी पहले कंप्लीट कर ले फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। प्रियंका इंटरव्यू मत कीजिए, आपके पास ही आ रहा हूं ना इसके बाद, आप इनके सारे तथ्यों को गलत साबित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुर्की में खलीफत को विरोध करने का कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास है एआईसीसी में भाई 1919 में, कोई गलत बात नहीं बोली रिजवान साहब। कैसी बात कर रही है प्रियंका जी आप, और क्या, पढ़िए जाके आप कांग्रेस का रेजोल्यूशन 1919 का कि हम तुर्की में खिलाफत का विरोध करेंगे, और जबकि तुर्की वालों ने नकार दिया मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, वहां उसका विरोध हो गया और सऊदी अरब ने नकार दिया। ठीक है, एक सेकंड, पहले प्रियंका जी विरोध का जवाब दीजिए, जवाब देने का रिजवान आपकी बात खत्म हो गई तो प्रियंका चतुर्वेदी आप जवाब दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी जवाब दीजिए उनकी बात का। नहीं नहीं मैं चुप हो जाती हूँ रोहित जी, अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए तो मैं बात करूं। मैंने रोका ना उनको, तीन लोग गलत बात कर रहे हैं। मैडम आप अपने फैक्ट्स सामने रख दीजिए जो आपके पास है। आपने बहुत एहसान किया मुझ पर रोहित जी, मैं आपकी आभारी रहूंगी जिंदगी भर। आप अपनी बात रखेंगी बजाय आभारी रहने के तो बेहतर होगा बोलने का। मैं तो बस यही कहूंगी, इन्होंने ये कहा, मैं भी अपनी बात ही रख रही हूँ रोहित जी मैं भी अपनी बात रख रही हूँ, पर जिस तरीके की बात की जा रही है, जहां झूठी बात होती है तो उसमें बीच में टोका टाकी करना भी जरूरी होता है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिलीजन के आधार पर होती हैं। सबसे पहले तो इनको बता दूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि कोई जन किसी के अरे फैक्ट्स ही बोल रही हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको फेथ ही नहीं है, बिलीफ ही नहीं है, तो आपसे मैं क्या बहस करूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के आधार पे नहीं बना है, सेक्युलर मुद्दे पे बना है। रही बात फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी इन्होंने कहा कि हम ये डिसाइड करते हैं कि फिलिस्तीन के आधार पे बनता है या रोहिंग्या मुसलमानों के हिसाब से बनता है। मैं माफी मांगूंगी सर, हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी बनी है देश हित के हिसाब से बनी है, और वही फॉरेन पॉलिसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले ही राजनीतिक पार्टी बदल रही हो सकता है, वही फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में वोट का मामला हो, यूनाइटेड नेशंस के वोट का मामला हो, या फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं देश में आए नेतन्याहू से पहले या इनके प्रेसिडेंट से पहले, ये उसका मामला हो, ये भी मामला दूर नहीं कर सकते हैं कि हमारा रिश्ता फिलिस्तीन से भी उतना ही है जितना हमारा इजराइल से है। अगर हमने टू स्टेट थ्योरी की बात की है, वही टू स्टेट थ्योरी भारतीय जनता पार्टी करता आया है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी की बात होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ठीक है, झगड़िए नहीं, संविधान बयान, उन्होंने कहा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनका कहना था भारत को सॉफ्ट स्टेट नहीं बनना होगा, अगर वो आतंक से मुकाबला करना चाहते हैं तो जैसे इजराइल ने मुकाबला किया वैसे ही भारत को भी सख्त रुख अपनाकर यह मुकाबला करना होगा। लेकिन क्या भारत में राजनीतिक पार्टियों को इस पर भी एतराज है? आपको बता दें हमारे साथ आज सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जीडी बख्शी साहब हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ दो इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौलाना असद खान फलाही हैं जो कि इंडिया गेट मस्जिद के मुख्य इमाम हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद हैं, लखनऊ स्टूडियो से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे। आप सबका स्वागत है दंगल में। ये बताते हुए कि 90 सेकंड आपको पहले सवाल के जवाब के लिए मिलेंगे, घड़ी चलती रहेगी, 90 सेकंड पूरे होते ही बजर बजेगा, आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी। पहला सवाल, जब सब
एड्रेस कर चुके होंगे, उसके बाद बहस खुली होगी, आप एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकेंगे, लेकिन कोशिश करें एक दूसरे की बात सुनने के बाद ही कमेंट करें। मौलाना सद खान फलाही साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे जी, क्या आतंक के खिलाफ इसराइल के रास्ते चलेगा अगर हिंदुस्तान, तो नाराज हो जाएंगे मुसलमान? पहली बात देखिए, इसको आतंक को मुसलमान से मत जोड़िए। और आप देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप इसराइल की बात कर रहे हैं कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है, बिल्कुल वो आतंकवाद से लड़ रहा है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ उसने जितने मजालिम मजलूम फिलिस्तीन के औरतों पर, वहाँ के बच्चों पर आप किया है, उसको आप एक इंसाफ पसंद इंसान होने के बावजूद आप उसको इनकार नहीं कर सकते। मैं बताऊं आज आपको, सबसे पहले इंडिया ने हमेशा से शुरू से मजलूम फिलिस्तीन का साथ दिया है, उसको आप फिलिस्तीन से जोड़िए, मुसलमानों से मत जोड़िए, क्योंकि वहां मानने वाले लोग फिलिस्तीन के में मुसलमान हैं, इसलिए आप उसको रिलेट कर रहे हैं कि वहां के हिंदुस्तान हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है, इंसाफ के साथ इसका साथ दिया है। पूरी दुनिया में भारत की यही तस्वीर है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हो रहा होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो दूसरे मुल्क में कहीं पे भी सप्रेशन और फॉरेन एग्रेशन हो रहा हो। अब आप आइए दूसरी चीज पर कि इस फिलिस्तीन के इस इसराइली दौरे पर क्या कहना है। देखिए कोई भी, देखिए आप अगर व्यक्ति या समुदाय होकर सोचेंगे तो आप इसका विरोध करेंगे, लेकिन जब आप एक राष्ट्र के प्रमुख होकर या एक आप राष्ट्र के तौर पे देखेंगे इस इसराइली दौरे को इंडिया के, तो आपको इसका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई मानवता के लिए कितना नुकसानदेह और कितना नहीं, आज का महत्व यह है कि आप व्यावसायिकता के महत्व में कितने आगे हैं। इसराइल और इंडिया दोनों ही आज के दौर में, इसराइल बहुत आगे है हिंदुस्तान से टेक्नोलॉजी में, लेकिन हिंदुस्तान भी आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा एज अ सुपर पावर उभर रहा है दुनिया के नक्शे के ऊपर, इसलिए इसराइल को भी लगता है कि हिंदुस्तान से ताल्लुक अच्छे रखने चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया था यूनाइटेड नेशन में, और यही काफी होता ये दौरा ना आने का। सैयद रिजवान अहमद, मौलाना साहब दोनों तरफ की बात कर रहे हैं जी, लेकिन मानी कौन सी जाए, पहली या दूसरी? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा देखिए सुन के मौलाना साहब की बात को, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, पर जहां तक उन्होंने कहा कि इजराइल मानवता का दुश्मन है और वो जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों पर, तो मौलाना साहब को मैं बता दूं, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं दे पाऊंगा, पिछले 30 साल में लगभग 25 से 30 लाख मुसलमान इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही ने मारा है। अभी पिछले 5 साल में असाद ने सीरिया में 7 लाख मुसलमान औरतें और बच्चे मारे हैं, तो ये एक अलग मैटर है। दूसरी बात रोहित भाई, जहां तक एक स्ट्रेटजी की मामला है, जब आपके ये डिबेट का मुझे टॉपिक पता चला तो एक मैंने एनोलॉजी बताई, दिमाग में सोची कि इसराइल एक एक्वेरियम की तरह, इट इज लाइक एन एक्वेरियम, उसको कंट्रोल करना, उसको साफ रखना बड़ा आसान है, जैसी कोई चीज बाहर से गिरेगी वो रडार में आ जाएगी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा समुंदर है, एक झील है, तो दोनों की स्ट्रेटजी एक नहीं हो सकती, ओवर स्ट्रेटजी, मिलिट्री स्ट्रेटजी दोनों की मिलिटेंसी से एक नहीं हो सकती। इंडिया के हालात भी इतने खराब नहीं है, अगर हम कश्मीर को थोड़ी देर के लिए अलग से स्टडी करें, लेकिन हाँ, एक ओवर्ट एक्ट होता है, एक कोवर्ट एक्ट होता है। हमारी इंटेलिजेंस को और हमारी मिलिट्री को कोवर्ट एक्ट करने चाहिए, छांट छांट के चुन चुन के आदमियों का हिसाब करना चाहिए, और वो चीज भले मीडिया में आए ना आए, इसकी इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, जैसी इसराइल ने 1972 म्यूनिख के बाद छांट छांट के पैलेस्टीनियंस को। ठीक है, मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाऊंगा, वो आपकी बात से कितने सहमत है और नेतन्याहू की बात से उनकी सरकार कितनी सहमत है, उसके पहले मौलाना फलाही आप कमेंट करना चाहते हैं जल्दी से करना। देखिए आपने मुझे गलत कोट किया कि मानवता के खिलाफ, मैंने इसराइल को नहीं बोला, मैंने कहा कोई भी, चाहे उसमें सीरिया हो चाहे कोई भी हो, मैंने उसको गलत कोट, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन है आपकी इस बात से। मैंने कहा कि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसमें यह देखा जाएगा कि आप कमर्शियली कितना किसी के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, उस हिसाब से संबंधों आज के संबंध बनाए जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, कमर्शियली तो हम देख ही रहे हैं, बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं इसराइल के साथ, उससे क्या निकलेगा क्या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी चीज जो उन्होंने कही है कि इस्लामिक कट्टरपंथ से आपको निपटना है तो आपको हमारी तरह खड़े होना होगा। क्या भारत इस बात को स्वीकार कर चुका है कि इंडिया और इसराइल आतंक के खिलाफ दोनों की परिस्थिति एक जैसी है? उसको खामखा में भारत के अंदरूनी हालात में या मुसलमानों के साथ जो लोग जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अहित करते हैं भारत का
और भारत की कूटनीतिक स्थिति का। हाँ, जो आपने बात कही आतंकवाद के मामले में, भारत और इसराइल में एक समानता है, क्योंकि दोनों ही देशों ने अपने पड़ोसियों के साथ पहले 25 साल में 3-3, 4-4 युद्ध लड़े, और दोनों ने ही जब चौथे युद्ध में निर्णायक रूप से अपने विरोधियों को परास्त कर दिया, भारत ने पाकिस्तान को और इसराइल ने एडज्वाइनिंग जो कंट्रीज थे उनको, तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि सीधी फौजी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, आतंकवाद शुरू करो। अब जो आतंकवाद से लड़ने की बात है, रिजवान साहब ने कहा भारत और इसराइल की स्थिति में अंतर है, परंतु सर्विलेंस इक्विपमेंट हो या कोवर्ट ऑपरेशंस हो, इस मामले में इसराइल ने एक बहुत ही एक्सपर्टीज हासिल की हुई है और उसका उपयोग भारत को करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें मजबूती से खड़े होना होगा, यही मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर पाकिस्तान को किनारे करना हो, हमने ये दिखाने में सफलता हासिल की है कि भारत को जो सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था, एरा ऑफ इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, वो अब ओवर हो चुका। सुधांशु, आपकी आवाज कट गई है, कुछ तकनीकी दिक्कत है शायद, 20 सेकंड आपके बचे हैं, आप बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, भारत चुन चुन के मार सकता है क्या? हमारे यहां तो फांसी की सजा मिलने के बाद भी हम कोर्ट के दरवाजे पहुंच जाते हैं आधी रात को कि नहीं साहब इसको लटकाइए मत, और चुन चुन के मारेंगे तो जाने क्या हो जाएगा फिर। तो मुझे ऐसा लगा है कि जैसे कि माइक ने भी और ऑडियो ने भी सुधांशु जी के झूठों का साथ देने से बेहतर समझा कि चुप्पी बांध लें। मैं बस यहाँ पर एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी कि सॉफ्ट स्टेट का जो वो हम पे आरोप लगा रहे थे, तो मैं सुधांशु जी से पूछना चाहूँगी, और इतिहास के बहुत जानकार हैं, कि 1971 क्या हमारे देश को सॉफ्ट स्टेट होता है? 1965 की लड़ाई क्या हमारे देश को एक सॉफ्ट स्टेट माना जाएगा? क्या वो सॉफ्ट स्टेट माना जाएगा जब जब हमने पाकिस्तान हुआ हो या चाइना हुआ हो उनको उनकी जगह डिप्लोमेटिकली दिखाई हो? दूसरी चीज़ रही बात इसराइल की, मैं जानना चाहती हूँ क्या इसराइल में आतंकवाद हर तरीके से ख़त्म हो गया है? हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हम क्लैशेस सुनते हैं, और वही बात अगर आकर इसराइल के प्रधानमंत्री हमारे देश में हमें ज्ञान देते हैं, क्या इसराइल को ये बात अच्छी लगेगी? हम उनके देश में जाकर हम उनसे कहें कि आपको ह्यूमन राइट्स का पालन करना होगा? तो जो चीज़ें होती हैं, जो समाधान होते हैं, हमारी सरकारें इसको दूर रखिए कि बीजेपी है या कांग्रेस पार्टी है, हमारी सरकार काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो जो सिचुएशन इंडिया को लेकर है और इंडिया को सेफ और सिक्योर करने को लेकर है, वो हर नियम और जो भी कानून होंगे उसका पालन कर हम एक्शन लेंगे। और हमारे यहाँ पे कहीं से भी टेररिज्म आ रहा हो, पाकिस्तान से आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा होगा, हमारी आर्मी काफी सक्षम है कि उसको जवाब देगी। ओके मैडम, 90 सेकंड हो गए, वापस आता हूँ आपके पास, उसके बाद मैदान खुल जाएगा, आप खुल के अपनी बात कर सकेंगी, घड़ी नहीं रहेगी। लास्ट कॉमेंट जी डी बख्शी से, एक बार घड़ी के साथ मैं ले रहा हूँ। जी डी बख्शी साहब, अक्सर पॉलिटिकल कवर ऐसे नहीं दे देते हम लोग आतंक के खिलाफ कार्रवाई को कि हमारे पास कानून है, हमारे पास नियम है, हमारे पास कायदे हैं, हम इसराइल की तरह नहीं करेंगे। अरे साहब, आप प्लीज इसराइल की तरह करिए, तभी खात्मा होगा इस बीमारी का। 30 साल से पाल रखी है हमने ये। अब मैं कोई पॉलिटिकल विवाद में नहीं पड़ना चाहता, ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के ऊपर एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है हर डेमोक्रेसी में, जो यहां नहीं है। इट्स वेरी सैड, लेकिन फैक्ट यह है कि हमको पलटवार करना होगा। 30 सालों से हमारे कोई 80,000 भारतीय नागरिक, सैनिक, असैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं टेररिज्म में। 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, 15,000 बाकी भारतवर्ष के शहरों में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है साहब, ये हकीकत है हमारी। मुझे बड़ी खुशी हुई हमारे मुसलमान भाइयों ने कितना अच्छा एनालिसिस किया है, और वो दोनों सहमत हैं, किसी ने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करी। ये हमारी पॉलिटिकल तबकों से ही ये शोर शराबा हो रहा है। फैक्ट इज कि अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, यू विल हैव टू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। हम कह ये रहे हैं, वेटरन्स बहुत देर से कह रहे थे, और आज नेतन्याहू साहब ने भी कह दिया है, अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको रक्षात्मक नीति से हटकर, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट इन योर ओन टेरिटरी से हटकर सीमा के पार चोट करनी होगी।
ये 2016 में शुरू हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक से, लेकिन पहली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तकरीबन फुल स्टॉप लग गया। हमें बड़ी हैरत हुई, हमने सोचा था अब तो खुल सिमसिम हो जाएगा। ओके बख्शी साहब, देर आए दुरुस्त आए, अब तो शुरू करिए। 90 सेकंड हो गए आपके, पहले थोड़े बहुत कार्रवाइयां शुरू की है, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्जे हरारत बढ़ाने की जरूरत है। ओके सर, 90 सेकंड हो गए आपके। सुधांशु त्रिवेदी, पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस ही नहीं है, तो आप लोग कैसे इसराइल की तरह करेंगे? यहां तो आपकी टांग खींचने के लिए 40 पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। यही तो मैं अपनी बात पूरी करना चाहता था। अभी प्रियंका जी ने जो सॉफ्ट स्टेट कहा, मैं उस सर आवाज कट रही है आपकी। और इन्होंने भी वही काम किया था जब विपक्ष में थे। कुछ आवाज कट रही है सुधांशु त्रिवेदी, तो कुछ तकनीकी खामी है। अरे आप सुन पा रहे हैं मुझे? एको कर रही है भैया, शायद प्रियंका को भी आवाज में दिक्कत है। सईद रिजवान अहमद, आप कुछ बोल सकते हैं तब तक ये तकनीकी खामी दूर की जाए? जी जी जी, आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए साहब, जैसा मैंने कहा, बख्शी साहब मेरी बात को बहुत ज्यादा अच्छा समझेंगे या समझाएंगे, ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशन सन 72 में जब इसराइल के 11 स्पोर्ट्समैन मारे गए थे म्यूनिक में, तो इसराइल ने चुन चुन के व्रत ऑफ गॉड एक ऑपरेशन किया था। मैं एक मोटी सी बात पूछता हूं, मैं आतंकवाद की बात नहीं करता रोहित भाई, मैं कोई टेररिज्म की बात नहीं करता। मेरे देश में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाला युवा जो लाल चौक पे खड़ा होके झंडा लहराता है, आर्मी उसको रडार में लेके उसे इस बात का सबक क्यों नहीं सिखाती? हमारे चैनल पे हुर्रियत के लोग आके पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हम लोग उनके खिलाफ ओवर्ट ऑपरेशंस क्यों नहीं करते हैं? हमें करने चाहिए। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक, जो अच्छा है उसे इनाम दो, लेकिन जो देश का दुश्मन है। रिजवान साहब ठीक है, बोलिए। सबसे पहले तो देखिए दोनों कंट्रीज की सिचुएशन, इस वक्त सिर्फ इसराइल या इंडिया ही आतंकवाद करके नहीं जूझ रहा है। कर ही नहीं रहा हूं साहब, सुनिए एक सेकंड, पहले पूरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लें। पूरी दुनिया ही इस वक्त आतंकवाद से जूझ रही है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, वहां पे भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। रोज हम सुनते हैं वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, किसी ने ट्रक से किसी को क्रैश कर दिया या किसी ने कुछ। देखिए दोनों सिचुएशन को अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। इसराइल की जो फिलिस्तीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत पुराना और अलग कॉन्फ्लिक्ट है। आप जिस हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, सिर्फ कश्मीरियों का ये मामला अलग नहीं है, हमारे यहाँ पर माओवादी भी हैं, हमारे यहाँ पर पंजाब में अलग हैं, हमारे यहाँ तमिल अलग है। मेरा सवाल इससे इतर है। आपने इससे पहले कहा कि आप इस्लाम को आतंकवाद से मत जोड़िए, जाहिर है कोई नहीं जोड़ता, नहीं, लेकिन आपने कहा था अपने स्टेटमेंट में ना कि मुसलमानों को दिक्कत क्यों हो रही है। सारे आपने किसी को मुसलमान अभी थोड़ी देर के बाद जो मौलाना विरोध कर रहे हैं खुले तौर पे, और वो इस्लाम के नाम पे ही विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान ने कहा कि भारत और इसराइल दोनों इस्लाम के दुश्मन है। देखिए पाकिस्तान के तो पाकिस्तान को तो कंडम करिए, पाकिस्तान को तो हम खातिर में नहीं लाते, उन लोगों को भी तो कंडम करिए जो कि किसी भी आतंकवादी का जनाजा लेके निकल पड़ते हैं 20,000 की तादाद में, किसी हिंदू के साथ, किसी आतंकवादी की बात को, किसी ईसाई को, किस आतंकवादियों के जनाजों में, आपके साथ आतंकवादी की बात, क्यों कश्मीर में आतंकियों के जनाजे नहीं निकलते आए दिन? उसमें बहुत सारे मासूम भी होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, उसमें देखिए बाय कॉल वो हिंदू होते, सिख होते, क्रिश्चियन होते, बौद्ध होते, जैन होते, स्टेट कौन होते हैं वो लोग? कश्मीर में मुस्लिम है, मुस्लिम स्टेट है वहां पर, तो वहां पे मुस्लिम ही तो मिलेंगे आपको। इसलिए आपको मौका मिल रहा है कि मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ दिया जाए, आपको दूसरे हिंदुस्तान में दूसरे देश नहीं मिल रहे। रिजवान अहमद, मुसलमानों को आतंकवाद से हम जोड़ रहे हैं? साहब, मौलाना साहब, 11वीं सदी में हशाशिम ने, घर जाके गूगल कर लीजिएगा, हशाशिम ने ईरान के हसन अब्बास ने मुसलमान को आतंकवाद से जोड़ा था, फिर इबन थमैया ने जोड़ा था, फिर मुस्लिम ब्रदरहुड ने जोड़ा था, फिर अलकायदा ने जोड़ा था, फिर बगदादी ने जोड़ा था। देखिए आंख बंद करने से अंधेरा होता है मौलाना साहब, आप पहले बोल लीजिए फिर मैं रिप्लाई करूंगा, आप पहले बोल लें, रात नहीं होती। हम लोगों को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारी कुरान शरीफ की आयतों को और हदीस को गलत पढ़ लिया गया है और उससे आतंकवाद को जोड़ के इस्लाम में जिहाद लड़ा जा रहा है। रिजवान साहब, आप खुद भी अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर क्लेम करते हैं, आप मुझे बताइए कोई एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर की जिसने एंडोर्स किया हो आईएसआईएस को या इन लोगों को जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं? कोई एक ऐसा इंसान बताइए, दुनिया की तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने इनको कंडम किया। देखिए असम्पशंस पे बात नहीं होनी चाहिए। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं मान रहे, दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर नहीं मान रहे, कैसी बात कर रहे हैं? एक सेकंड सर, दिल्ली से 500 किलोमीटर भी दूर नहीं, हिंदुस्तान के मौलाना ने बगदादी के खलीफा बनाए जाने पे चिट्ठी लिख के बधाई दी थी,
किसने इस बात तो को लेके आज तक बहस होती है। एक सेकंड सर, इसी पे आ रहा हूं, उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए। आप टीवी पर बैठकर कहते हैं सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन जब भारतीय फौज का एक अफसर जीप से बांध देता है पत्थरबाजों को भगाने के लिए एक आदमी को, तो उसके बाद इस देश में एक महीने बहस चलती है और कहा जाता है इस अफसर को बर्खास्त करो। क्यों, तो कैसे इसराइल जैसी कार्रवाई करेंगे आप? यही तो इसराइल भी कर रहा है सर, यही इसराइल भी कर रहा है। उनको बोलने दीजिए ना, अब एक बार उनको बोलने दीजिए। बोलिए सुधांशु, देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब हम किसी भी आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये यहां पर जब आपत्ति उठती है तो मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा मौलाना साहब से कि देखिए साहब, कश्मीर में लड़ाई होती है, आप कह रहे हैं कि साहब चूंकि उसके अंदर मुस्लिम ज्यादा है तो उसको खामखां इस्लाम से जोड़ा जा रहा है। ये बताइए, कश्मीर के झगड़े में आपने कभी कश्मीर के झंडे को देखा है? वो ISIS और पाकिस्तान का झंडा क्यों आता है? अगर जाकिर मूसा ओपनली ये कहता है कि कश्मीर की लड़ाई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, तो उसके जैसा कंडेम आना चाहिए, जिस तरह का कंडेम होना चाहिए देश भर से, तो वो नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो रिजवान साहब ने कहा उनकी बात में दम है कि हमें उस बात को बड़े पुरजोर तरीके से खंडन करना चाहिए कि इस तरह की बातों की हम मजम्मत करते, मगर ऐसा नहीं होता। रिजवान साहब से डायरेक्ट बात करी ना, मैं प्रियंका चतुर्वेदी से कमेंट ले लूं अगर उनको ठीक से सुनाई दे रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या भारत की राजनीतिक पार्टियां आतंक के खिलाफ भी एक नहीं हो सकती? मुझे नहीं लगता रोहित कि आपको कहीं ये शंका होनी चाहिए कि जहां आतंक का मामला आता है और देश की सुरक्षा का मामला आता है, हम लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, पर जहां तक सुरक्षा का मामला है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और हम सरकार से उम्मीद रखेंगे कि कोई भी ऐसा काम जो किया जाता है वो विपक्ष और सारे दलों को साथ में लेकर किया जा सके। ये अगर आपस में ही बंटवारा हो गया हो कि हम विपक्ष हैं, जो भी इनसे सवाल करेंगे वो एंटी इंडिया हैं, वो एंटी पेट्रियट्स हैं, वो पेट्रियट्स नहीं हैं, देश के खिलाफ हैं, तो इस तरीके का माहौल बनाने की भी जिम्मेदारी काफी हद तक प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पे भी जाती है। तो अगर देश हित की बात आती है, हम बिल्कुल कहते हैं जो भी काम किए जा सकते हैं, जो भी हमें कदम उठाने हैं बिल्कुल उठाए जाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। पर रही बात इस पे राजनीति करने की, जो भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुका है, मैं आज बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगी सुधांशु जी से। सुधांशु जी, आप इतना इज़राइल कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि जब यूनाइटेड नेशंस में जेरूसलम की बात आई आपने इज़राइल के खिलाफ वोट दिया? ऐसा क्यों है कि आज आपने रिसेंटली ही एक डिफेंस डील थी जो इज़राइल के साथ स्क्रैप की है? तो इसराइल और इंडिया का जो रिश्ता है वो 2014 से नहीं शुरू हुआ है। इंडिया और इसराइल का रिश्ता 1950 के दशक से शुरू हुआ और फुल फ्लेज जो रिश्ता शुरू हुआ 1980 के दशक में हुआ। 2010 में इसराइल और इंडिया के जो बिजनेस रिलेशंस थे वो सबसे हाईएस्ट पे थे, जो बकायदा अब गिरते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी अगर ये गौर करेंगे और बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि सिर्फ इसको एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर छोड़ देना। और जो मनों में जो जिस तरीके के भ्रम आ रहे हैं, मनों में जिस तरीके की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसको खत्म करने में भी शायद एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा। ठीक है सुधांशु, जवाब दीजिए, फिर मैं जीडी बख्शी साहब के पास जा रहा हूं। बोलिए। छोटा मैं जवाब देना चाहता हूं, जो प्रियंका ने कहा कि हम लोग को इस कारण से आप पे आरोप नहीं लगाते कि आप विपक्ष में हैं तो आप कह नहीं सकते। अरे साहब, आप विपक्ष में हैं या सत्ता पक्ष में, आतंकवादियों से आपकी सहानुभूति छुपाई नहीं छुपती है। अभी पाकिस्तान के एक अधिकारी ने हाफिज साहब बोला है, अरे यही हाफिज साहब तो आपके दिग्विजय सिंह जी बोल चुके हैं जब आप सत्ता में थे, ओसामा जी वर्ल्ड बोले थे जब आप सत्ता में थे, और जब सत्ता में आप थे तब सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए थे, तो आपके वेद प्रकाश वैदिक मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, और जब आप अपोजिशन में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अरे भाई आप जब सत्ता में थे तो सुशील कुमार शिंदे के बयान के लिए हाफिज सईद ने उनको शाबाशी दे दी थी जनवरी 2013 में, तो समस्या जानते क्या है वहां पर आप डिस्टर्ब कर रही हैं, बिरयानी खाकर आते हैं और नाच कर आते हैं। भाई वो सब छोड़िए, आपने कहा सत्ता और विपक्ष, 26/11 का हमला पाकिस्तान ने किया, 26/11 का हमला हाफिज सईद ने किया, मगर दिग्विजय सिंह कहते हैं RSS ने किया। इस ढंग के अभूतपूर्व कारनामे आप लोग करते हैं, समस्या अब विपक्ष में जब आप आते हैं वापस चली जाती है। ये गलत तरीका, गलत तरीका। अब आप जब आप बोल रही थी आपने कुछ भी बोला, मुझे ब्रेक लेना पड़ा। हमारी कोशिश ये रहती है कि सब अपनी अपनी। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी वांट्स टू एक्सटेंड दैट एक्सेस टू US, इजराइल, इंडिया। दैट इज समथिंग व्हिच इज इट विल बी हैव टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया। And I think it's not in the interest of our country. चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे इजराइल हो,
ये कोई हिंदुस्तान के मित्र नहीं, सब हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहते हैं और सौदों के लिए ये आते हैं, हिंदुस्तान को कुछ देने नहीं आते हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार ये सोचे, जैसे आप पेपरों में आ रहा है कि वो एक मित्र हमारे हैं, हमारे परिवार के समान हैं। हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा फलस्तीन के साथ रही है। फलस्तीन के मासूम बच्चों, औरतों और पूरे फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पे इसराइल जालिमाना, कातिलाना, मुजरिमाना भयानक हमले करता रहा है। ऐसे मुल्क का सदर उससे दोस्ती करना हिंदुस्तान के कदीम मोहब्बत और वफा के खिलाफ है। भारत के जो इसराइल से रिश्ते हैं वो हिंदुस्तान ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया, कभी जालिमों का साथ नहीं दिया। इधर जो नए रिश्ते डेवलप हो रहे हैं नितिनयाहू के साथ और वज़ीर आज़म की आमद और उनका इस्तकबाल, उसको लेके कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में कसर ज़रूर है। जो एक सच्चाई है, जो एक फैक्ट है, वही बयान करना चाहता हूँ। तो मौलाना यासूब अब्बास कह रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में इस दोस्ती को लेके एक कसक जरूर है। जीडी बख्शी साहब, विदेश नीति मस्जिदों से तय होगी क्या? बिल्कुल नहीं साहब, हमारे राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि हैं और मुझे खुशी है कि जो दो हमारे मुसलमान भाई इस पैनल पे आए हैं, मुझे उनके व्यू सुन के, खासकर रिजवान साहब के व्यू सुन के बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दी है और साफ कहा है कि साहब हमें वहां दोस्ती करनी चाहिए जहां हमारे राष्ट्रहित सुरक्षित होते हैं। इसराइल से हमें एवैक्स मिले हैं, इसराइल से हमें ग्रीन पाइन रडार मिले हैं, बैलिस्टिक एंटी सरफेस टू एयर मिसाइल्स मिले हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स मिले हैं और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है सब वहां से आ रही है। फिलिस्तीन से हमें क्या मिला साहब? फिलिस्तीन का जो एम्बेसडर था पाकिस्तान में वो जाके हाफिज सईद के साथ बैठा हुआ था। तो साहब ताली दो हाथ से बजती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप तो हमारी जड़ खो दे और हम आपकी जो है पैरवी खुशामदी करते रहे इंसानियत के नाम पे, फला फला के नाम पे। और आप जब हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, 85,000 भारतीय अफराद शहीद हो गए हैं अभी तक, है उसका उसके लिए कौन आंसू बहाएगा? फिलिस्तीनियों के पहले हम भारतीयों के लिए आंसू बहाएंगे, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो दो पैनलिस्ट आज हमारे आए हैं रिजवान साहब और वो, उन्होंने देश के हितों को प्राथमिकता दी है। देखिए साहब, सवाल बड़ा सीधा है, किस किस्म की स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करनी जानी चाहिए। केवल ढाल से लड़ाई नहीं हो सकती, ढाल के साथ तलवार की जरूरत है। इसराइल आपको ये दिखाता है कि इसराइल जो है केवल ढाल का, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करता, जरूरत पड़ने पे तलवार से वार करता है, चाहे ओवर्ट चाहे कोवर्ट। मैं सहमत हूं रिजवान साहब से कि कोवर्ट स्ट्राइक्स भी होनी चाहिए, लेकिन अब साहब इस देश में यह हालत आ गई है कि देश के लोग आतंकवाद से इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको दिखा के मारना होगा। ठीक है कि साहब आप ऐसा करेंगे, हम खुले आप दिखा के मारना होगा, आपको मारेंगे। आप कह रहे हैं दिखा के मारना, स्ट्राइक के बाद साफ कहा था हाँ हमने ठीक मारा है, ठीक है जो करना है करो। ओके ओके, मौलाना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपके पास ऑब्जेक्शन करता हूं। जो आपने कहा क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी मस्जिदों से तय होगी, बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं। आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट नहीं है, सवाल है। ठीक है, चलिए आपका सवाल ही सही, आपने सुन लिया था मौलाना साहब क्या कह रहे थे। किसी ने भी मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर सुनवा देता हूँ आपको, मौलाना यासूब अब्बास ने कहा क्या कि मुसलमानों को तकलीफ है इस नई दोस्ती से फिलिस्तीन के। साफ साफ कहा उन्होंने, मैंने कहा देखिए आप सुनिए, फिलिस्तीन के उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं मुसलमानों को तकलीफ है इस नई दोस्ती से। जी पहले आप मुसलमान और इंसानों को अलग कीजिए। सर मैं क्यों करूं, आप लोग करवा रहे हैं, उन्होंने खुद बयान दिया, मैंने आपको सुना दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अच्छा मैं आपके सवाल ट्रांसफर मत कीजिए, उनको डिफेंड कर सकते हैं तो कीजिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप ये बता रहे हैं फिलिस्तीन के सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा के देखिए कि उसने इसराइल के इस जारियाना जुल्म के ऊपर क्या बात कही है कि इसराइल जो है तमाम तरह के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है सिविलियंस और मासूम बच्चों को, तो आप उसको किस तरह पॉसिबली जस्टिफाई कर पाएंगे? सिर्फ इसलिए कि उनको आतंकवाद का टैग देके, उन मासूम बच्चों को टैग दे देंगे कि वो आतंकवादी है बच्चे, वो औरतें जो बेचारी प्रेग्नेंट है, जो बेचारी बोल नहीं सकते उनके, आपको पता है इसराइल का हर चौथा पंद्रह चौथा इंसान जो है। मौलाना साहब एक मिनट, बख्शी साहब बोलिए। देखिए ऐसा है कि वो एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम।
जो जो दान है वो अपने घर से शुरू होता है। हमारे हमारे भारतवर्ष में पिछले 30 वर्षों में साहब 85,000 भारतीय नागरिक सिपाही गैर सिपाही वो मारे जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, उसमें तमीज सभी लोग मारे गए, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मारे गए। जो हमने बहाने हैं हम पहले अपने देशवासियों के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं बख्शी साहब, आप बहुत ही हिंदुस्तानी का खून हम बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चमन्नी में एक भी जान नहीं दी जाएगी हमारी, ये मैं प्लीज कहता हूँ। देखिए आप सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आप कश्मीर को फिलिस्तीन से क्यों जोड़ के देख रहे हैं, आप कश्मीर को फिलिस्तीन से क्यों जोड़ के देख रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर फिलिस्तीन जैसे हालात नहीं है? एक सेकंड, कश्मीर की तो मैंने बात ही नहीं जैसे हालात नहीं है। पहली चीज मैं कह रहा हूँ, पूरे भारत वर्ष में 85,000 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं, ठीक है, हम उनका ख्याल करें, ठीक है, फिलिस्तीनियों का, ठीक है सर, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, मौलाना साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को इस्लाम से ना जोड़े, निश्चित तौर पे कोई नहीं जोड़ता इस देश में, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि 85,000 लोग मारे गए हैं तो उसमें हर धर्म के लोग मारे गए हैं, तो फिर इस बात पे डबल स्टैंडर्ड क्यों है कि आतंक फैलाने वाले के खिलाफ सीधी कार्रवाई हो जाए? बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए ऐसा हर चीज को मजहब से जोड़ना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई कहीं ना कहीं यहूदी और फिलिस्तीन में मुस्लिम डोमिनेंस है तो हम उसको मजहब से जोड़ लेते हैं। अब आप सोचिए ईरान इराक की लड़ाई में किधर खड़े होंगे, यमन के अंदर जो लड़ाई हो रही है उसमें किधर खड़े होंगे, सीरिया के बीच में लड़ाई है, सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो प्रतिद्वंदता उसमें कहां खड़े होंगे? तो केवल इसलिए कि जहां से मजहब दूसरा आए तो उसे किसी मजहब से जोड़ना ठीक नहीं है। और मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे इसराइल जो कार्रवाई करता है ना, जैसे ब्लैक सितंबर का उदाहरण रिजवान साहब ने दिया, मैं याद दिलाना चाहता हूं यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, होलोकॉस्ट जर्मन ने किया था, वो सबके सब ईसाई थे, और करने वाला जो था रुडोल्फ आइकमैन वो जाके भेस बदल के रहने लगा था अर्जेंटीना में, मगर इसराइल वालों ने उसे पकड़ के लाकर मुकदमा चलाया और फांसी पे चढ़ाया। ये होती है एक जिजीविषा लड़ने की, मगर ना आज जर्मनी उसको मानता ना यूरोप इस बात के लिए नाराजगी मानता, सबसे ज्यादा तो ईसाई यहूदी लड़े हैं, मगर आज दोनों 21st सेंचुरी में नए डेवलप्ड वर्ल्ड में एक साथ आके खड़े हुए हैं। तो मेरा ये कहना, जब तक हम आतंकवाद की और हिंसा की लड़ाई को मजहब से जोड़े रहेंगे तब तक हम वो पुरानी चीजों में फंसे रहेंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे। जर्मनी भी डेवलप हो रहा है, इजराइल भी डेवलप हो रहा है। प्रियंका से कमेंट, उसके पहले रिजवान अहमद, अगर इसको यहूदी मुसलमान के ही चश्मे से देखते रहना है, पहली बात तो एक देश की पॉलिसी जब बनती है तो ये चीजें पीछे होती है, पॉलिसी आगे होती है, देश आगे होता है। तो कल एक यहूदी एक मुसलमान की कब्र पे जाके खड़ा होकर कह रहा है कि ये तो प्यार की इमारत बना दी है आप लोगों ने आगरा में ताजमहल, जब वो ये सारी चीजें दरकिनार करके खड़े हुए यहां पर, तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई, उसको धर्म के चश्मे से क्यों देखेंगे? क्यों हमारा वोट बैंक बिखर जाएगा? इसलिए देखिए ये रोहित भाई एक दुर्भाग्य रहा है, 1917 के खिलाफत मूवमेंट से लेकर आज तक 100 साल हो गए, 100 साल, लेकिन तब भी मुसलमान की फॉरेन पॉलिसी तुर्की में तय हो रही थी। और एक बार सुधांशु भाई के साथ मैं डिबेट में भी बैठा था, हमारी बात हुई थी, अरब सऊदी अरेबिया उस खिलाफत की उस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। इजवान साहब उस खिलाफत, देखिए मौलाना साहब आप बात खत्म होने दीजिए, आप सुलझे हुए मौलाना साहब है तो बात खत्म होने दीजिए, आप अंसार रजा ना बनिए, आप अंसार रजा ना बनिए, चलिए आप गलत कोट कर रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी पैलेस्टीन से तय होती है, कभी रोहिंग्या प्रॉब्लम से तय होती है, कभी तालिबान से तय होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गांधी जी ने उसका समर्थन किया था वही तुष्टीकरण था जो आज तक 100 साल हो गए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी वही तुष्टीकरण था गांधी जी का। आप कंप्लीट कर ले फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रोहित जी पहले कंप्लीट कर ले फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। प्रियंका इंटरव्यू मत कीजिए, आपके पास ही आ रहा हूं ना, इसके बाद आप इनके सारे तथ्यों को गलत साबित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुर्की में खलीफत को विरोध करने का कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास है आईसीसी में भाई, 1919 में, कोई गलत बात नहीं बोली रिजवान साहब। कैसी बात कर रही है प्रियंका जी आप, और क्या, पढ़िए जाके आप कांग्रेस का रेजोल्यूशन 1919 का, कि हम तुर्की में खिलाफत का विरोध करेंगे, और जबकि तुर्की वालों ने नकार दिया मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, वहां उसका विरोध हो गया और सऊदी अरब भी नकार दिया। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी आप जवाब दीजिए,
प्रियंका चतुर्वेदी जवाब दीजिए उनकी बात का। मैं चुप हो जाती हूँ रोहित जी, अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए तो मैं बात करूं। मैंने रोका ना उनको, तीन लोग गलत बात कर रहे हैं। मैडम आप अपने फैक्ट्स सामने रख दीजिए जो आपके पास है। आपने बहुत एहसान किया मुझ पर रोहित जी, मैं आपकी आभारी रहूंगी जिंदगी भर। आप अपनी बात रखेंगी बजाय आभारी रहने के तो बेहतर होगा बोलने का। मैं तो बस यही कहूंगी, इन्होंने ये कहा इन्होंने, मैं भी अपनी बात ही रख रही हूँ रोहित जी मैं भी अपनी बात रख रही हूँ, पर जिस तरीके की बात की जा रही है, जहां झूठी बात होती है तो उसमें बीच में टोका टाकी करना भी जरूरी होता है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिलीजन के आधार पर होती हैं। सबसे पहले तो इनको बता दूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि कोई जन किसी के अरे फैक्ट ही बोल रही हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको फेथ ही नहीं है, बिलीफ ही नहीं है, तो आपसे मैं क्या बहस करूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के आधार पे नहीं बना है, सेक्युलर मुद्दे पे बना है। रही बात फॉरेन पॉलिसी, इन्होंने कहा कि हम ये डिसाइड करते हैं कि फिलिस्तीन के आधार पे बनता है या रोहिंग्या मुसलमानों के हिसाब से बनता है। मैं माफी मांगूंगी सर, हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी बनी है देश हित के हिसाब से बनी है, और वही फॉरेन पॉलिसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले ही राजनीतिक पार्टी बदल गई हो सकता है, वही फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के वोट का मामला हो या फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं देश में आए नेतन्याहू से पहले या इनके प्रेसिडेंट से पहले, ये उसका मामला हो, ये भी मामला दूर नहीं कर सकते हैं कि हमारा रिश्ता फिलिस्तीन से भी उतना ही है जितना हमारा इजराइल से है। अगर हमने टू स्टेट थ्योरी की बात की है, वही टू स्टेट थ्योरी भारतीय जनता पार्टी करता आया है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी की बात होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, झगड़िए नहीं, संविधान सेक्युलर है, फॉरेन पॉलिसी सेक्युलर नजरिए से तय होती है।